वैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की। मेरे साथ है स्वाति जो मेरी असिस्ट करेंगे आज मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पर ट्राई बिल्कुल भी मत करना, बहुत ईजी है। कास्टिक सोडा आपने पहले भी देखा होगा मेरा, कास्टिक सोडा जो आपने एनिवेज के नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम यूज़ करेंगे। बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है जिसकी वजह से आग लग जाएगी बहुत, ठीक है। हमारे पास एक बोतल है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सब आपके घर पे भी प्रोवाइडेड है, मैं आपको बता दूंगा कैसे। आपके घर में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते थोड़ी सी, मैं चम्मच ले लेता हूँ, ये हम चम्मच से थोड़ी सी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोतल में डालेंगे, थोड़ी सी बस। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। अब हम इसके अंदर एल्युमिनियम डालेंगे, थोड़ा सा गैस बनती है ना, इसके अंदर गैस बन जाती है तो हमें थोड़ा सा रैपिडली करना पड़ेगा, बस ये सारी डाल दो, डाल दो डाल दो, सारे डाल दो, एक से डाल दो, इसके ऊपर बैलून लगाएंगे ताकि उसकी हाइड्रोजन गैस कैप्चर हो सके। बोतल पकड़ना, अब आप देखना इसके अंदर हाइड्रोजन गैस कैसे कैप्चर होती है, आप देखना इसके अंदर हाइड्रोजन गैस कैप्चर होती है। ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस कैप्चर होने लगी है गाइस, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस इसलिए कैप्चर होती है क्योंकि ये जो है कैल्शियम है ना, NaOH है, NaOH जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो AlNaO बनाता है, AlNaO। हम गांठ बांधेंगे इसके अंदर ताकि इसका हाइड्रोजन गैस कैप्चर हो सके, ठीक है। ये देखो गाइस हमारे हाइड्रोजन गैस इसमें कैप्चर हो चुकी है क्योंकि ये बहुत होलो है तो इसके अंदर से निकलेगी नहीं। ये देखो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर, तो ये जल्दी उड़ेगी, हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम इसके अंदर आग लगाएंगे, आग लगाएंगे क्योंकि पास से लगाएंगे तो उसके अंदर से आग निकलेगी जिससे वैसे हाथ जल सकते हैं। हम इसके अंदर आप दूर से लगाना, ऐसे ऐसे दूर से लगाना, ये VIP जैसा है पटाखे की तरह, जोर से नहीं रहेगा, मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखा गाइस आपने, बहुत बड़ा पटाखा बजा, दिवाली जैसा है, दिवाली आ गई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 300 और कर दो बस, 300-400 कर दो, हाँ 500, उसके बाद हम और मिलियंस तक जाएंगे। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इसके अंदर AlNaO जेट इज सोडियम एल्यूमिनेट जिसे हम बोलते हैं वो रिएक्ट हुआ। सोडियम एल्यूमिनेट हमारा बायोप्रेसिपिटेट था, जो प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे आते हैं, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकली है। ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली इसलिए निकलती है क्योंकि जो AlNaO वो तो बन गया लेकिन H2O वो बहुत ज्यादा है क्योंकि अनइजी स्टेट में था। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है H2O। H2O होती है नॉर्मल गैस जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, वो बहुत स्टेबल होती है, लेकिन ये थी नॉर्मल गैस H। नॉर्मल मतलब एक सिंगल, आपको मैं सिंगल हूँ, हम सिंगल हैं तो हमें बहुत होता है कि हमें कपल्स बनाने हैं, तो कपल्स बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें कुछ चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए हम बहुत अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से ये जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और H2O जो है वेपर फॉर्म हो जाता है, वेपर फॉर्म करने की वजह से जल्दी से पटाखा बजता है और आग निकलती है। इसे मैं स्लो फॉर्म में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना, और हाँ इनके लिए प्लीज लाइक करना, इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में, इसी के बाद करने वाली है, कर लेना उसे सब्सक्राइब, मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए, प्रेस द बेल आइकन।